अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ए न्यूज। मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के अज़्म का इजहार। कहते हैं कि 2018 में बिजली की लोड शेडिंग को माजी का किस्सा बना दिया जाएगा। अल्ताफ हुसैन ने शरंगेज तकरीर करके शहरियों को तशद्दुद पर उकसाया। बरतानवी कानून के मुताबिक मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस बरतानिया को भिजवा दिया। मेयर हल्फिया इकरार करता हूँ, हल्फिया इकरार करता हूँ की मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा कराची को 8 बरस बाद मेयर मिल गया। वसीम अख्तर मेयर का हल्फ उठाने के बाद दोबारा जेल पहुंच गए। नामुंतखब मेयर का कहना है कि किसी को मुल्क पर बुरी नजर नहीं डालने दी जाएगी। फारूक सत्तार ने मेयर कराची वसीम अख्तर की आवाम तक रसाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा के दफातर तो तोड़े जा सकते हैं, लेकिन इसका मैंडेट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। पीटीआई का अपील दायर करने का फैसला। सोमालिया में सदारती महल के करीब कार बम हमले में 5 फौजी जाँ बहक हो गए।